शांति। 9 जून 2024 आज की अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने मुरली चलाई थी 15 फरवरी 2000 को। हम मुरली मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे करते हैं। आप भी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से YouTube लाइव पर भी जुड़ सकते हैं, Google मीट पर भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप इस समय मुरली में साथ शामिल नहीं हो सकते, तो आप जब भी इस मुरली को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन करें और देखें, यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है या आपके मन में कोई विचार या सुझाव आता है कि इसका अर्थ ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप अवश्य इसी वीडियो में नीचे एक लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिख करके भेज देंगे। लिंक नहीं मिल रहा है तो भी आप उसी व्हाट्सएप नंबर से लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की मुरली का विषय है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट परिष्ठा भाव। क्या बनना है हमको? डबल लाइट परिष्ठा बनना है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। बाबा ने मन को स्वच्छ करने के लिए कहा है, मन को हमें स्वच्छ करना है और बुद्धि को क्लियर करना है। तो कौन बताएगा कि मन को हम स्वच्छ कैसे कर सकते हैं? क्या करें जो हमारा मन स्वच्छ हो जाए? जो अच्छा देखे, अच्छा बोले और अच्छा सोचे। मन दूषित कैसे होता है, पहले हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां तीन है, उनमें से बाबा ने दो को लिया है, मन और बुद्धि को लिया है, संस्कार को नहीं लिया। मन को कहा है स्वच्छ करो और बुद्धि को क्लियर करो। मन के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि मन जो है वो शरीर और बुद्धि के बीच का मीडिएटर है। शरीर का संदेश बुद्धि को देता है और बुद्धि का आदेश शरीर को देता है। शरीर से करवाता है, देता क्या है, करवाता है। जो बुद्धि ने ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया, उसे मन ने इस शरीर से करवाना है। अब हम मन के एक एक रूप को समझ पाए कि मन जो है इस शरीर के द्वारा संदेश जो है वो बुद्धि तक पहुंचाता है, मीडिएटर का काम करता है। अब इस शरीर के संपर्क में आने के कारण इस शरीर से जितना भी गंध आता है वो मन साथ के साथ बुद्धि के पास पहुंचाता है, चाहे वो अस्वच्छता आंखों से आई हो, कानों से सुनने से आई हो, टेस्ट से आई हो, देखने से आई हो, स्पर्श से आई हो, शरीर के किसी भी अंग से स्पर्श करने पर, छूने पर जो भी अस्वच्छता आई, वो सारी की सारी स्वच्छता भी अस्वच्छता भी दोनों ही बुद्धि तक पहुंचाता है। मन का काम क्या है
चाहे वो स्वच्छ है चाहे अस्वच्छ है, उसने तो जो मिला उसे एज इट इज निष्पक्ष रूप से बुद्धि के पास पहुंचा देना है। अब बुद्धि ने यह फैसला करना है कि क्या करे। अब ये काम बुद्धि का है। तो अस्वच्छता कहां से आ सकती है? एक हमें समझ में आया, शरीर के द्वारा जो कुछ भी आया उसमें जो अस्वच्छता आई वो मन के पास पहुंचती है। क्योंकि क्यों पहुंचती है मन के पास? क्योंकि मन आउटर लेयर है। मन ये आउटर लेयर है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आत्मा का बाहरी पार्ट है, ये बॉडी के संपर्क में आता है, इसके द्वारा संदेश बुद्धि के पास जाना है। तो पहली बात, हम इस शरीर के द्वारा आने वाली अस्वच्छता को रोके, ठीक बात है। नंबर दो, नंबर अस्वच्छता को रोकने के लिए तो बुद्धि मन के पास तो कुछ जजमेंट नहीं है ना, तो बुद्धि के पास जाएगा तभी वो जज करेगा, तभी वो रुकेगा। अभी हम ध्यान से देखें कि मन के द्वारा जाना है। अब मन के द्वारा रोकने की भी क्षमता है। मन को रोकने की क्षमता कहां से प्राप्त होती है? हमारे संस्कारों से प्राप्त होती है। जो हमारे संस्कार पक्के बन चुके होते हैं, जिसको बार बार हम करते रहते हैं, वो संस्कार के लिए मन को बुद्धि से पूछना नहीं पड़ता, वो मन ऑटोमेटिक करता रहता है। वही क्या वही, जैसे आपने तय कर लिया है कि आपने कच्चे रास्ते से ही ड्यूटी पर जाना है क्योंकि ये शॉर्ट है और आप जल्दी पहुंचते हैं। आप पक्के रास्ते को इग्नोर करते आ रहे हैं क्योंकि आपका संस्कार बना हुआ है, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैंने लंबे रास्ते से पक्के रास्ते से नहीं जाना, मुझे इस कच्चे रास्ते से शॉर्टकट जाना है। भाई जी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। कौन सी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है, दे रही दिखाई दे रही। तो मोबाइल को फिर से स्टार्ट करो, तो बंद करके चालू करो। अब आपका संस्कार बना हुआ है, आप जब भी जाते हैं आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप उसी शॉर्टकट रास्ते से निकलते हैं, आप लंबे रास्ते से नहीं निकलते। आप उधर देखते ही नहीं क्योंकि वो आपका संस्कार बना हुआ है। संस्कार इतना कड़ा बना हुआ है कि मन को बुद्धि से पूछना नहीं पड़ता कि मैं इधर से जाऊं या ना जाऊं। यदि किसी कारणवश आपका शॉर्टकट रास्ता, जो छोटा रास्ता था, कच्चा रास्ता था, उसमें कुछ गड्ढे बन गए हैं या कुछ पानी भरा हुआ है या कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है, तो आपको बुद्धि से पूछना पड़ता है अब मैं कहां से जाऊं। फिर बुद्धि आपको जैसा ऑर्डर करेगी वैसा आप करेंगे। तो आपको वो बताया ना, आपने देखा कि कच्चे रास्ते में ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो बुद्धि ने कहा कि अच्छा आज इस कच्चे रास्ते को छोड़ दो, आज आप इस रास्ते से जाओ। स्पष्ट हुआ? तो मन को तब गंदी बातें यदि कोई दिखाई दे रही हैं, गंदे काम कुछ हो रहे हैं या कुछ भी मतलब मैसेज मिल रहा है, वो उन मैसेज को रिसीव नहीं करेगा यदि मेरा संस्कार बना हुआ है उनको ना लेने का। बात समझ में आया? तो हम एक तो संस्कार के द्वारा रोकते हैं, हम गंदी आदत को, जो हमने गंदी आदतें छोड़ दी हैं, अब हम अपने संस्कार के आधार पर उन गंदी आदतों को रोक लेते हैं। परंतु जो संस्कार गंदी आदतों वाले बने हुए हैं वो तो गंदे काम होंगे, वो तो अलाउड है ना। उधर देखना अलाउड है, वैसा खाना अलाउड है, वैसे पीना अलाउड है, वैसे करना अलाउड है। तो जो हमारे संस्कार ने अलाउड किया हुआ है वही हम कर रहे हैं ना।
तो गंध कहां से आ रहा है? नंबर एक, संस्कार हमारे गंध को रोकने में भी हेल्प करते हैं, हमारे संस्कार गंध को लाने में भी सहयोग देते हैं। और लाने वाला कौन है? मन। इसलिए बाबा ने मन को कहा कि इसको क्या करो, स्वच्छ करो। इसे स्वच्छ करने के लिए हमें संस्कार श्रेष्ठ बनाने होंगे, बाबा की श्रीमत के अनुसार संस्कार बनाने होंगे, जो हमारे मन में किसी भी प्रकार के दूषित बात को अंदर लाने ही नहीं देगा, रोक देगा। जो दूसरी बात है बुद्धि, बुद्धि के लिए कहा कि बुद्धि को क्लियर करो। और बुद्धि को क्लियर करने के लिए हमने क्या करना है? बुद्धि को साफ नॉलेज, क्योंकि बुद्धि जज की कुर्सी पर बैठी है, बुद्धि ने निर्णय करना है सारा दिन। जब बुद्धि ने सारा दिन निर्णय करना है तो बुद्धि को निर्णय करने वाली शक्ति जो है, निर्णय करने का आधार जो है, वो क्या होते हैं? हमारे संस्कार होते हैं। सारा दिन बुद्धि भी कोई फैसला करती है तो वो भी संस्कार के आधार पर करती है। इसलिए बाबा ने संस्कार का नाम ही नहीं लिया। बाबा ने कहा कि संस्कार, बुद्धि को क्लियर करो। तो बुद्धि को क्लियर करने के लिए भी दो बातें हैं, एक मन के द्वारा, एक संस्कार के द्वारा। दूसरा दिन जो हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, उस ईश्वरीय ज्ञान से हम बुद्धि को समझाएं कि केवल और केवल ये परमात्मा का ज्ञान जो है ना, ये सत्य है। इसी के आधार पर हमें चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता। हम ये बुद्धि को स्वीकार कर दे कि आपने जो भी फैसला करना है इस ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर करना है। तो ये कनेक्शन हमारा शिव बाबा के साथ जुड़ जाए कि बुद्धि जो भी फैसला करे वो परमात्मा के ज्ञान के आधार पर करे, ना कि संस्कारों के आधार पर करे। क्योंकि हमारे संस्कार तो बने हुए ही खराब है। हमारे संस्कार अच्छे बनाने का आधार बुद्धि है। तो अब हम बुद्धि को क्लियर कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ दें, परमात्म डायरेक्शन पर बुद्धि सारा दिन कानून पास करे, तो बार बार सारा दिन ईश्वरीय डायरेक्शन पर नियम पास होते जाएंगे। तो वो नियम बार बार हम पास करेंगे तो वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। वो हमारे क्या बन जाएंगे? संस्कार बन जाएंगे। अब संस्कार हमारे अच्छे बन गए हैं तो क्या होगा कि बुद्धि को कोई भी फैसला करना है, संस्कार भी अच्छे हैं, बुद्धि भी क्लियर है कि परमात्म डायरेक्शन पर संस्कार होने हैं, तो संस्कार हमारे अच्छे बनते जाएंगे। जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाएंगे तो मन ऑटोमेटिक जो भी काम करने होंगे वो संस्कार के आधार पर ऑटोमेटिक राइट करता जाएगा, स्वच्छ करता जाएगा, हर गंध को बाहर ही रोक देगा, उसको अंदर आने ही नहीं देगा, उस रास्ते पर चलेगा ही नहीं जिस रास्ते पर चलने का संस्कार ही नहीं है। फिर भी कुछ आएगा तो वो बुद्धि से पूछेगा, और बुद्धि की लाइन हमने क्लियर कर दी है कि बाबा की डायरेक्शन पर फैसला करना, तो बाबा की डायरेक्शन या बुद्धि उसको क्या करेगी? रोक देगी, नो, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, यहां नहीं जाना। तो इसलिए बाबा ने संस्कार का नाम नहीं लिया, इसलिए बाबा ने मन को स्वच्छ करने के लिए और बुद्धि का कनेक्शन शिव बाबा के साथ क्लियर करने के लिए कहा। स्पष्ट हो गया होगा, है नहीं? तो फिर क्या होगा? डबल लाइट, फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? डबल लाइट, फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, स्वराज्य ब्राह्मण इनको दे दूंगा, स्वराज्य ब्राह्मण
जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को, बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया, स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया, लाइन खत्म कर दी। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। क्या समझ में आया यहां? हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य का जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे ही आपने कहा बाबा, बाबा कहते ही, बाबा किसको कहा हमने? परम पिता परम आत्मा को। तो परम पिता शिव परमात्मा को हमने बाबा कहा, तो हमने अपने आप को क्या समझा होगा? आत्मा। ये बहुत जरूरी है। यदि हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा और हमने ऐवें ही बाबा बोल दिया, तो फिर हमने रियल नहीं, भक्ति मार्ग वाला अंधविश्वास हो गया, क्योंकि हम जानते नहीं। सच्चाई है कि मैं जब आत्म स्मृति में हूं और परमात्मा को पिता कह रहा हूं, तो मैं आत्मा समझते ही क्या हो गया? मैं अमर आत्मा हूं। और उसके साथ क्या स्मृति आई? कि मैं आत्मा भृकुटी के बीच में विराजमान हूं। तो यह है हमारा अकाल तख्त, यह है हम आत्मा का सिंहासन। दुनिया वाले दुनिया भर के सातों चक्रों को जागृत करने के बाद कहते हैं कि आप यहां बैठे हो, सहस्त्रार में, आज्ञा चक्र में बैठे हो। और बाबा ने आते ही, परिचय देते ही हमें वहां पर बिठा दिया। ये स्पष्ट हुआ? उसके बाद क्या होता है हमारे पास? बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा ने यह अधिकार दिया। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति आते ही हमारी अपनी स्थिति भी हमें स्पष्ट हो जाती है कि मैं अमर आत्मा हूं। मैं मन बुद्धि और संस्कार सहित आत्मा हूं। और क्या याद आता है? कि मैं अपने संस्कारों को बनाने वाली हूं बुद्धि के द्वारा, और मैं मन के द्वारा संदेश लेने वाली हूं। संस्कारों के आधार पर ही मेरा जीवन चलता है, क्योंकि संस्कार मेरे श्रेष्ठ होंगे तो मेरी वृत्ति भी श्रेष्ठ होगी, मेरी दृष्टि भी श्रेष्ठ होगी, मेरे बोल भी श्रेष्ठ होंगे। संस्कार ही गंदे हैं तो मेरी दृष्टि भी गंदी, वृत्ति भी गंदी, बोल भी गंदा, कर्म भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए ये इसके ऊपर परमात्मा हमें राजा बनना सिखाते हैं। जितना जितना हम इस सत्य को, हमारे संस्कार सुधर गए, समझो देवताई संस्कार बन गए, तो फिर सब क्लियर हो गए। बस करना यही है, काम यही है। सारे ज्ञान का आधार यही है कि हम अपने गंदे संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दे। बस वो हमारे पास रहे ही नहीं, संस्कारी आदत ही खत्म हो गई, फिर बात ही कहां से आएगी? हमारी जो हमारी मुसीबत क्या है? क्या करूं, मेरी ये आदत है, ये तो मरने के साथ जाएगी। कौन सी आदत है? किसने बनाई वो आदत? आज ही उस गंदी आदत को ओम शांति करो, खत्म कर दो, स्वाहा कर दो। जितना स्वराज्य सिद्धि, जितना अपने आप को इस सत्य को समझते जाएंगे कि मैं मन बुद्धि और संस्कारों का मालिक हूं, मन मेरा मंत्री है,
मन वो करेगा जो मैं कहूंगा, ना कि मन जो कहेगा वो मैं करूंगा। जब हम अपने आप को राजा समझते हैं, मन को हम मंत्री समझते हैं, तो फिर हम इसके मालिक बनते जाते हैं। तो मन को मंत्री समझना, बुद्धि को भी अधिकार मिल जाता है, तो हमारे से गलती होना दूर हो जाता है, सिद्धि बनती जाती है और अपने में लाइट, और जितना लाइट होते जाते हैं, जितना ज्ञान समझ में आता जाता है, उतनी हमारे पास शक्ति भी, माइट भी आती जाती है। लाइट और माइट का अनुभव करते, दोनों का अनुभव करते हैं। जितना जितना सच मिला, ज्ञान मिला, उतने हम लाइट हो गए, हल्के हो गए, और जितना हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग किया, उतना हमारे को क्या मिलती गई, शक्ति मिल गई। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबर वार लाइट का ताज चमकता है। क्योंकि जितना शक्ति और लाइट दोनों का आपस में कैसे कनेक्शन है, पवित्रता, लाइट होती है पवित्रता से। जितना पवित्र होंगे उतना ही हल्के होंगे। वो एग्जांपल दे सकते हैं, जितना लाइट होंगे, जितना पवित्र होंगे उतना लाइट होंगे, आत्मा पवित्रता है। जैसे ही पवित्रता हम उसे कहते हैं जब तक उसमें कुछ मिलावट ना हो, जब हमने उसमें मिलावट कर दी तो उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा का वजन है जीरो, आत्मा का आकार है जीरो, और जैसे ही हमने आत्मा के साथ शरीर चिपकाया, मैंने कहा मेरा शरीर, तो मेरा वजन हो गया 60-70 किलो, ठीक है नहीं? मेरा वजन हो गया 6-7 फुट, साइज हो गया 6-7 फुट। जब मैंने समझा आत्मा, तो मेरा रूप भी जीरो, मेरा वजन भी जीरो, कितने हल्के हो गए। और कितना पावरफुल है कि हम आत्मा को संसार का कोई तत्व क्रॉस करने से रोक नहीं सकता। पत्थर में से पार हो सकते हैं, पानी में से पार हो सकते हैं, अग्नि में से पार हो सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी ताकत है। इसी मतलब जितना आप 7 फीट की बोलने, 6-7 फीट की बोलने का मतलब है कि जितना आप बड़े होते जा रहे हो, आपकी बुद्धि भी उसी अनुसार बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि वहां कंपेयर किया था जामड़ी के साथ, है नहीं? जामड़ी बुद्धि है, मतलब जैसे जामड़ जन्म हुआ था उस समय उनकी बुद्धि थी, आज भी उन शरीर तो बड़ा हुआ परंतु बुद्धि बड़ी नहीं हुई। वो कंटेस्ट, वो बात अलग थी। मतलब किसी भी बात को हम जब तक उसकी दूसरी बात हमें याद ना आए, तो हम उसका सही अर्थ नहीं निकाल सकते। एक लाइन से तो, एक लाइन पढ़ के तो दुनिया भर के अर्थ का अनर्थ ही कर सकते हैं। तो हमें यहां समझ में आ रहा है कि हम लाइट, जितना पवित्र बनते हैं उतना लाइट होते हैं, उतना शक्तिशाली होते हैं, जितना मिलावट करते हैं उतना भारी हो जाते हैं, उतना वैल्यू भी कम हो जाती है, कीमत भी कम हो जाती है, ताकत भी कम हो जाती है। अब प्योर कोई चीज होगी वो जितना असर कर सकती है, और उसमें मिलावट कर दिया जाए तो उसमें असर नहीं होगा ना। अब साबुन है, साबुन को ढेर सारे पानी में डाल दिया जाए तो कोई असर नहीं करेगा, साबुन को थोड़े पानी में मिलाया जाए तो जल्दी काम कर देगा। तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान से समझना है कि जितना मिलावट करेंगे उसकी शक्ति उतना कम होती जाएगी, उतना ही नंबर वार लाइट का ताज चमकता। जितना पवित्र होंगे तो उनका चेहरे का ताज, चेहरे पर लाइट चमक दिखाई देगी, नूर दिखाई देगा। बाप दादा, देवता प्रण
बताते वो ना, हाँ देवताओं को प्राण बताते वो ना, बिल्कुल बिल्कुल। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दिए, सारी शक्तियां बाबा ने सबको अधिकार में दी है, हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम सभी बच्चे परमात्मा की सारी शक्तियों के मालिक हैं। परंतु लगा दिया उसके साथ, ये परंतु क्यों लगा दिया, हम सारे बराबर मालिक है, परमात्मा की जितनी शक्तियां हैं उन सब के हम बराबर मालिक है, परंतु उसके साथ लगा दिया परंतु, धारण करने में नंबर वार बन गए। जितना हम बाबा की डायरेक्शन पर चलेंगे उतना हमारे जीवन में आएगा, जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, डायरेक्शन पर चलेंगे, जितनी धारणा करेंगे उतनी शक्तियां हमारी, जिनको हम अपने जीवन में लाएंगे नहीं, ठीक है बाबा के पास है, मेरा बाप है, रखी रहने दो, रखी रहने दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर तो आप उनको यूज करेंगे, आपके पास हथियार है, तलवार है, तलवार रखी हुई, आपने कभी चलाने की कोशिश नहीं की तो आप चला ही नहीं सकेंगे, रखी रहे तलवार है तो है, नहीं जब उसको यूज करेंगे तब तो हमारे को चलाना आएगा ना, हमें चलाना ही नहीं आएगा, बंदूक है पर तो हमने पता कैसे चलाना है, और डाकू आ गए, चोर आ गए मारने के लिए, हम बंदूक को उठा के घूम रहे, क्या करें, कैसे चलाएं इसको, चला ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा उस बंदूक के होने का। परंतु धारण करने में नंबर वार बन गए, क्योंकि हम उनको धारणा नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, जीवन में उपयोग नहीं करते, अपना बना सकते, हाँ बार बार यूज करने से अपना बना, एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, एक्सपर्ट हो जाते हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, सबको पता है, किसी को कहा जाए भाषण करो तो बहुत लंबा चौड़ा अच्छी तरह सबको समझा सकते हैं, परखने की शक्ति क्या है, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सारी शक्तियों पर लंबा चौड़ा भाषण कर सकते हैं, लेकिन लेकिन लगा देते हैं, एक बात का अंतर पड़ जाता है, कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो हर शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का तरीका भी बहुत अच्छा बताएंगे, परंतु अंतर ये है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वे शक्ति कार्य में नहीं आती, कार्य में लगा नहीं सकते, उस शक्ति को प्रयोग करने की विधि प्रयोग नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, जानते हैं परंतु प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी, उस समय ये शक्ति मैंने उपयोग नहीं कर सका, इसको बुलाया तो सही परंतु ये शक्ति मेरे पास आई नहीं। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती, कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती, समस्या मुक्त बन सकते हो सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ, इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, जितना बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वे कार्य में लगा सकेंगे, वे कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघन मुक्त, हर एक बच्चे को क्या चाहते हैं, विघन मुक्त, कि उसके जीवन में कोई विघन ना आए, कोई रुकावट ना आए, समस्या मुक्त, उनके जीवन में कोई समस्या ना आए, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं, बनना तो सबको है, बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास आवश्यक है, बहुत काल का ये अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा,
ब्रह्मा बाबा के अंदर एक विशेष संस्कार था, वो देखा बाबा पूछ रहे कौन सा संस्कार था, तुर्त दान महापुण्य। कौन समझाएगा इसका अर्थ, तुर्त दान महापुण्य, इसका क्या मतलब है? अभी करो अभी पाओ, अभी करो अभी पाओ। हाँ जी, तुर्त दान मतलब सोच, तुर्त दान कर दो जो दान करना है, उसको सोचो समझो। अगर तुम्हारे और सोचे सो बाबा कहता है सोच समझ कर करो, आप कहते हो सोच समझ के ना करो। हाँ जी, भगवान की समझ है ना, भगवान की उस पर अगर हमें करना है तो एकदम मानो कोई दान करना है तो, और अच्छी जगह कर रहे तो उसने सोचो मत इतना दूं या ना दूं या कल दूं, ये नहीं सोचो। अच्छा ठीक है भाई। हाँ जी, जितने ज्ञान धारण किया उसको दान कर दे। हाँ, जितना ज्ञान हमने धारण किया ज्ञान को तुरंत दान कर दो, तुरंत दान महापुण्य। और कौन बताएगा? जब बाबा ने घर का बाबा को कहा नहीं तो दूसरा बंदा तो सब कुछ दान दे दिया। शिव बाबा अभी जरूरत है आत्मा को आत्मा का परिचय देना, वही दान महापुण्य हो गया, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान, जरूरत वाले को दान देना, जरूरत वाले को दान देना, उसके अंदर महापुण्य मिलता है। दान और पुण्य में अंतर यहां समझना है, दान और पुण्य में अंतर। दान हम उसे कहते हैं जब हमारे पास जो चीज है वह हमने दूसरों को दे दी, यह है दान। मेरे पास था मैंने आपको दे दिया, उनको दे दिया, उनको दे दिया, उनको। पुण्य कब है? जब उसका फल जो आपको जरूरत था, बाबा तो इधर आपको जो जरूरत था वो आपको दिया, वो है पुण्य। मैंने आपको दे दिया कोई भी चीज आपके काम की नहीं है, आपने क्या करो क्या क्या फायदा, उसका क्या लाभ मिलना है आपको? दान और पुण्य में यही एक अंतर है, सबसे बड़ा अंतर समझना है। मैं पैसे लेके चला हूं सबको, मैंने 10-10 रुपए दे दिए, ठीक है नहीं? अब मैंने 10 रुपए दिए, उसको 10 रुपए नहीं चाहिए, उसको कोई चीज चाहिए जो 10 रुपए की नहीं आ सकती, उसको वो चीज दी जाए तो उसके काम आएगी, नहीं तो उसके 10 रुपए भी बेकार है, उसके किस काम के 10 रुपए उसको। अब जैसे बहुत मोटा एग्जांपल, बहुत एग्जांपल देते हैं कि आप खाना बांट रहे हो, उसको लगी है प्यास, वो खाना क्या करेगा? आप खाना दे रहे हो, खाना उसके किस काम का? उसको तो प्यास लगी है, उसको तो पानी चाहिए। मतलब जो जिसको चाहिए उसको वो दिया जाए तो वो है पुण्य, और दान है मेरे पास जो है मैं तो वही दूंगा, मेरा क्या मतलब उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दान और पुण्य में अंतर समझना, वो दान पुण्य भी बन सकता है, वो दान पुण्य नहीं भी बन सकता है। अगर उसको जरूरत होगी उस दान की तो पुण्य हो गया, अगर उसको जरूरत नहीं है तो बेकार है ना उसके लिए। अब उसको तो पानी चाहिए, रोटी क्या करेगा? वो रोटी किसी और को देता फिरेगा या तो फेंकेगा। अच्छा, अब यहाँ पर तुत दान ब्रह्मा बाबा का क्या था कि ब्रह्मा जैसे बहन जी बता रहे थे कि उसी टाइम दे दो, मतलब परमात्मा ने कहा कि तुम्हें मैं नारायण बना दूंगा, अपना तन मन धन मुझे दे दो, समझ में आ गया उसको, और उसने कहा ये ले लो। उसने उठाया सारा धन, ये संभाल, तन ये संभाल, मन ये संभाल, हमने दिया नहीं, हम आज तक सोच रहे कि दे के ना दे। भाई नहीं, तो ब्रह्मा बाबा ने तुरंत दे दिया, तुरंत दान महापुण्य, मैं तुरंत दिया, और उसको परमात्मा ने जैसे कहा फिर उसको वैसे यूज किया, फिर कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मेरा क्या होगा। तो ये है तुरंत दान महापुण्य। अब उन्होंने अपना सब कुछ स्वाह किया, उसको नारायण का पद परमात्मा ने दे दिया, और हम नहीं दे रहे हैं, अभी तक नहीं दे रहे हैं तन मन धन, फिर कैसे होगा, कैसे हमें मिलेगा नारायण का पद? तो उन्होंने तुरंत दान,
ये सबसे बड़ी विशेषता ब्रह्मा बाबा की थी कि उन्होंने तुरंत अपना तन मन धन और जन तारों के चारों से बाबा को दे दिए और हम अभी तक पकड़ कर बैठे हैं। इसलिए बाबा मुरली में आज हमें याद दिला रहे हैं, जीवन के आरंभ से ही हर कार्य में तुरंत दान तुरंत काम भी किया, बस तुरंत दान किया ये नहीं और तुरंत काम, जो काम बाबा ने कहा उसको उसी टाइम करना है, नहीं कल करेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बस। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही, तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है, किसी को छोड़ के तो जाना नहीं है, बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, पूछ रहे साथ चलने वाले हो ना या पीछे पीछे आने वाले हो, क्या विचार है? साथ चलेंगे, ठीक नहीं, पीछे पीछे आने वाले तो नहीं ना, जब साथ चलना है, साथ चलना है, जब आपने तय कर लिया है तो फिर ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा की तरह कदम पे कदम फास्ट गति से रखो, साथ चलना है तो, ठीक नहीं, ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारे शिव, दो बातें बता दी, फिर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, कोई भी काम करना है तुरंत करना है बाबा ने जैसे किया, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और अपनी स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। तो निराकार शिव बाबा की स्थिति क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, वही वही कर वही हो रहा है, वही हो रहा है, शिव बाबा की स्थिति क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, स्थिति बिंदु आत्मिक स्वरूप। अरे भाई, बाबा के शिव की शिव बाबा की स्थिति क्या है? अच्छा लडोल को हर स्थिति में और अच्छी तरह परमात्मा की स्थिति बता रहे हो, परमात्मा की स्थिति का नाम है परम अवस्था, स्थिति माना अवस्था, ये शब्द का थोड़ा सा फर्क है कि स्थिति बाबा कह रहे हैं अवस्था, परम अवस्था, संकल्प ही नहीं करना ना, हमारी शक्ति हमारी हलचल हमारे सब का कारण हमारा पहला संकल्प होता है ना, हमने कोई संकल्प नहीं करना, एकदम निर्संकल्प बनना। अब हम निर्संकल्प कैसे बन सकते हैं, बन सकते हैं निर्संकल्प, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है ना, हमारा मकान गिर जाए, आग लग जाए, कोई मर जाए, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, अच्छा हुआ भाई जी, कल पहले भी हुआ होगा ऐसा हम सोचे नहीं ना, अच्छा है ना, हमारे मकान को आग लग गई है, अच्छा है ना, अच्छा है, बोलो क्या नहीं है, बाबा तो यही कहते हैं अच्छा है, बस फिर हम भी यही कहेंगे अच्छा है, हम भी यही कहें कि अच्छा है, हमने यदि ये कहा कि सोचना पड़ेगा तो फिर गड़बड़ है जी, भाई जी ब्राह्मण सार ही होता है, हाँ ब्राह्मण सार होगा, ब्राह्मण सार आत्मा रहेगी, संकल्प आएंगे भाई जी, यदि संकल्प आ रहे हैं तो हम परमात्मा की तरह निर्संकल्प नहीं है, यही तो अब परमात्मा के द्वारा सीखना है कि हमें कोई संकल्प नहीं चलाना, क्योंकि बाबा ने हमें समझा दिया होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, होनी होकर के रहेगी और अनहोनी कभी होती ही नहीं, क्यों टेंशन पाल रहे हो, जो होना था वही हुआ ना, फिर क्या फर्क है, हम रोक नहीं सकते, हमारा बाप नहीं रोक सकता, हमारे बाप का बाप भी नहीं रोक सकता, फिर हम क्यों बेकार में टेंशन पाल रहे हैं, सोच सोच, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, हाँ अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाप मरे तो हलवा खाओ, क्या फर्क है, क्या मरा, मरा क्या, उस आत्मा ने ये शरीर छोड़ा और दूसरी जगह जाके जन्म ले लिया, चल बसा,
क्यों रो रहे हो? कोई नई बात थोड़ा हुई है, मतलब ये बात ही तो परमात्मा को एकदम स्थिर बुद्धि रखती है, शांत रखती है, जरा भी परमात्मा की अवस्था में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उस स्थिति को कहा जाता है परम अवस्था। और अब हमने परमात्म डायरेक्शन पर अपने आप को बनाना है परम अवस्था वाला। तो परम अवस्था बनाने के लिए शिव बाबा को फॉलो करना है, और इस संसार में कोई भी कर्म करने के लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तब हम बाप दादा के साथ घर जाएंगे। और यदि हमने इन दोनों को फॉलो पूरा नहीं किया, जितना कम फॉलो किया उतना पीछे पीछे जाएंगे। चाहे रोजाना कहते रहो हम तो बाबा आपके साथ जाएंगे, हम तो बाबा आपके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, जितना कम किया उतना पीछे पीछे जाना पड़ेगा। अब ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमने एक ही सेकंड में घर जाना, आगे पीछे का कोई रोल नहीं है। फिर क्या मतलब हुआ? फिर मतलब ये हुआ हमारी अवस्था जितनी कम रही उस लास्ट सेकंड में, हम परमात्मा से उतना दूर है, उतना अंतर है। हम जाएंगे घर एक सेकंड में, परंतु वो अंतर तो हमारा रहेगा। उतना समय हम परम धाम में चुपचाप पड़े रहेंगे, जो परमात्मा के जितने नजदीक होंगे, जितना उन्होंने अपने आप को समान बनाया होगा, वो उतना पहले इस संसार में श्रेष्ठ स्वर्ग को भोग करने के लिए आएंगे। और हमने कम बनाया तो हम लेट आएंगे, हमारा पद छोटा होगा। स्पष्ट हो गया? अभी जो जितना नजदीक रहेंगे उनकी प्योरिटी भी उतना ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी पवित्रता ज्यादा होगी उतना पहले आएंगे, जितना पवित्रता कम होगी उतना इस संसार में पाठ बजाने के लिए देर से आएंगे। बाप को फॉलो करना है, फॉलो करना आता है कि नहीं आता बता दो, सिखावे बाबा। फॉलो करना आता है ना, हाँ या ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? भारत वाले तो नहीं बताते, डबल विदेशी बाहर वाले फॉरेन देश वाले तो बताएंगे। फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, क्यों? जैसे ब्रह्मा बाबा कर रहा है ऐसे तुम करते जाओ, जैसे शिव बाबा कर रहा है ऐसे तुम करते जाओ, उसमें ये क्यों, क्या, कैसे, कैसे करूं, क्या करूं, क्यों करूं, खत्म करो सारे, ये सब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है। और सबका अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। जैसे ये प्रश्न खड़ा हुआ तो व्यर्थ संकल्प आ जाएंगे, भार बोझा सिर पर आ जाएगा, भारी हो जाएंगे। ये प्रश्न ही हमें क्या कर देते हैं, भारी कर देते हैं। फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। दुनिया वाले कहेंगे कैसे करेंगे, बाबा कहते दुनिया वाले कहेंगे कैसे करें, और बाबा के बच्चे क्या कहेंगे, ऐसे करें। क्योंकि बाबा के बच्चों को तो पता है, उनको तो सारे हथियार चलाने आते हैं, ऐसे चलाओ, ऐसे करो, ठीक नहीं, कैसे नहीं, ऐसे। वो कैसे वाला शब्द उठ आएगा नहीं, उन क्वेश्चन उनके पास आएगा नहीं, बाबा ने समझा दिया है ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है कि ऐसे चलो, ऐसे करो, क्योंकि निर्णय शक्ति आ गई है ना। तो निर्णय शक्ति जब आ गई है तो वो वैसा करता जाएगा। और निर्णय शक्ति के लिए हमारे सामने दो गाइड खड़े हैं, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा आज डबल इंजन की हमें वो मिली हुई है गाड़ी, तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहले बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ
अपने मन को क्या करना है, स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं, और ये व्यर्थ और नेगेटिव के दाग कहां से आते हैं, हमारे संस्कारों के कारण। हमने अपने उन संस्कारों का ही अंतिम संस्कार करना है जो हमारे अंदर व्यर्थ और नेगेटिव बातों को लाने में सहयोग देते। इसके कारण पुरुषार्थ की स्पीड, श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है, क्योंकि व्यर्थ मिल गया तो नेचुरल हम उतना तेज गति से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं, बाप दादा सदा क्या देते हैं, श्रीमत देते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। हर आत्मा के प्रति क्या रखो, शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ये है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना। कोई हमारा अपकारी है उसके प्रति भी हमने क्या रखना है, उपकार की वृत्ति रखना है। ये है स्वच्छ मन, ये है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना ये स्वच्छ मन नहीं है, ये स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, एकदम हमारा मन क्या हो, स्वच्छ, उसमें कोई मैल नहीं हो। और उस मैल को निकालने की पहचान कैसे करेंगे कि हमारा मन स्वच्छ हो गया है, उसके लिए कौन सा विशेष संस्कार हमें बनाना होगा। एक संस्कार बाबा ने बताया, ऐसा बना लो तो आपका मन स्वच्छ हो जाएगा। एक संस्कार बनाओ कि जो भी मेरे सामने आ रहा है इस समय, ये शब्द याद रखना है, इस समय इस कल्प में ये पहली बार आ रहा है, भाई फिर से रिपीट करें, हाँ, इस समय इस कल्प में पहली बार आ रहा है। क्योंकि कोई भी एक्शन कल्प में रिपीट नहीं होता, एक कल्प में कोई भी कर्म रिपीट नहीं होता। न्यू, एवरीथिंग न्यू, एवरीथिंग न्यू, इसमें कोई डाउट नया है, एवरीथिंग न्यू, एवरी एक्शन न्यू, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। 5000 उस सेंटेंस में बाबा का ये कहना है कि मतलब संगम युग से स्टार्ट, हम ब्राह्मणों से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं भी नहीं, नहीं, ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये सेंटेंस क्यों कहा बाबा ने, इस समय इस कल्प में पहली बार आ रहा है। आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हो, ये इस कल्प में पहली बार पूछ रहे हो, और ठीक 5000 साल बाद आप इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे। इससे पहले आप ये प्रश्न रिपीट नहीं कर सकते, राइट? इस कल्प की बात, ये चीज तो राइट, ये राइट है, मतलब ये बात हम सुनते हैं। अब इस बात को प्रैक्टिकल करना है, ये संस्कार बन जाए हमारा, ठीक है नहीं? तो जो भी मेरे सामने आ रहा है, चाहे वो मेरा बेटा है, भाई है, पति है, पत्नी है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, मित्र है, संबंधी है, कोई भी है, जो भी मेरे सामने आ रहा है इस समय इस कल्प में, ये पहली बार आ रहा है। इससे पहले इसने जो कुछ भी किया है वो बिंदी लग चुकी है। अब उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, अच्छा करेंगे मतलब समझे। अब हम, यदि हमें पिछले वाली फाइल खुल जाती है
इसने कल मेरे को गालियां दी थी, इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, तो क्या होगा? तो कल कल का ये संसार बन जाएगा। तो हम उसके साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, अच्छा नहीं कर सकेंगे ना। तो ये संस्कार बाबा कहते बनाओ, अपने अंदर एक आदत बनाओ कि जो भी मेरे पास आ रहा है, इससे पहले इसने मेरे साथ अच्छा किया था या बुरा किया था, वो तो 5000 साल बाद वो करेगा अपने उस टाइम पर। अब मेरे सामने जो ये आ रहा है, अब मुझे इसके साथ अच्छे से अच्छा करना है। वो कल कल बन जाए, और वो कर तब सकते हैं जब ये स्मृति रहे। ठीक है ना, ये है स्वच्छ मन। स्वच्छ मन करने की विधि और क्लीन और क्लियर बुद्धि, मतलब बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर एकदम स्पष्ट बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा ध्यान देकर के अपने आप को चेक करो। ठीक है, ठीक है, नहीं, सोच के देखो, अच्छी तरह सोचो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट सिद्धि बन सकती है, तब आप फरिश्ता बन सकते हैं। बाप समान सिद्धि बनाने का यही सहज साधन है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई विधि नहीं है। कोई माला जपने की जरूरत नहीं, मंत्र जपने की जरूरत नहीं, कोई कमेंट्री सुनने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये बात समझना और अपने आप को समझाना, अपने में इस स्टेज को लाना, और ये अभ्यास पूरा भूल जाना। हाँ, का पूरा भूल जाना। हाँ, ये अभ्यास अंत में नहीं होगा। मरने का टाइम आ जाए तब हम ये अभ्यास नहीं कर सकेंगे। यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब आपको बहुत समय से इसकी आदत पड़ी होगी तब आप अंत में पास होंगे। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना आता है। पूछ रहे हैं बाबा, हां ना नहीं करते, दूसरों को नहीं करना, अपने को चेक करना। कहीं दूसरे को चेक करने बैठ जाए कि इसमें ये आदत है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई है, कोई बता सकता है हंसी की बात? बाबा चुटकुला सुनाता है कभी कभी, कौन सा चुटकुला है, किसी को याद आ रहा है? देखो बाबा सुनाता है कैसे, कि कई बच्चों की दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। दूसरे में देखेंगे ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, अपने आप को नहीं देखेंगे कि मेरे में क्या कमी है। इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं, अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनो, अपने जज बनो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूं, पक्का हो गया ना कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं, ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता किसे कहते हैं? किसी से कोई रिश्ता नहीं, जिसका
किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, संसार में किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। और फरिश्ता किसे कहते हैं? जिसका प्रभु से केवल रिश्ता हो। संसार में किसी के साथ रिश्ता नहीं, परंतु प्रभु के साथ रिश्ता हो तब फरिश्ता है। घनिष्ठ रिश्ता, प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ता हो वो घनिष्ठ हो यानी रिश्ता हो, ठीक है नहीं? मतलब घनिष्ठ तो अपने आप ही होगा, मतलब प्रभु से रिश्ता हो और किसी से रिश्ता नहीं, सिवाय प्रभु के और किसी से रिश्ता नहीं। घनिष्ठ वाला रास्ता शब्द कट जाता है, एक ही रिश्ता बस। मैंने सिर्फ बाबा का कहना मानना है और किसी का कहना नहीं मानना, मेरा और कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ एक ही बाबा परमात्मा ही मेरा रिश्तेदार है बस, तो बनेंगे हम फरिश्ता। और यदि हमने इधर उधर उसकी भी सुन लो उसकी भी सुन लो तो सुन लो सबकी सुन लो, फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो चिपक जाएंगे, वजन डाल देंगे। मेरा पति वजन बढ़ गया, मेरा बेटा वजन बढ़ गया, मेरा मकान वजन बढ़ गया, जितना मेरा फिर फरिश्ता नहीं बन सकते, फिर उड़ नहीं सकते। अमृत वेले उठते ही, अमृत वेले से क्या करना है सवेरे बाबा सिखा रहे हैं, देखो अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्री मत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं। समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। मैं फरिश्ता परमात्म श्री मत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं। ये शरीर पड़ा हुआ था यहां, मैं तो बाबा के पास सोया था ना, रात को बाबा के पास सोते हैं ना कि नहीं सोते? जी। कौन बाबा के पास सोते और कौन गैरेज में सोते? हम तो बाबा लेकर सोते। वो तो ठीक है, मतलब कैसे पता लगेगा कि आप बाबा को लेके सोते हो या बाबा आपको लेके सोता है? ये अंतर पहचान करो। गुड नाइट करके बाबा आ जाओ, आप सोगे हम भी सोगे, इतना वो जानते। तो आपने बाबा को नरक में बुला के सुलाया, आपने ये क्यों नहीं किया कि मैं बाबा के पास परम धाम जाके सोऊं? बच्चा माँ के साथ सोता है या माँ बच्चे के साथ सोती है? बाबा बोलते हैं ना, तू रात में सब लोग अपना बाबा के साथ, बाबा के साथ जैसे। हाँ जी, हम प्रत्येक गरीब में अपने शरीर को छोड़कर मैं बाबा के पास होने के लिए जा रही हूँ। हाँ जी, अब याद आया ना, सिखाया तो था परंतु हम कर उल्टा रहे थे, हम बाबा को ही गैरेज में बुला रहे थे, है नहीं? तो हमने बाबा के साथ बातें करते करते परम धाम में सोना है, क्योंकि हम जिसके साथ रात को हम अच्छी बातें सोचते हुए सोएंगे तो उठेंगे भी हम अच्छी बातें सोचते हुए, सोएंगे गंदी बातें सोचते हुए तो उठेंगे भी गंदी बातें सोचते हुए। तो इसलिए हम बाबा के साथ बातें करते रात को सोएं, ये हमें संस्कार बनाना है। तो सवेरे जब उठेंगे तो हम बाबा के साथ ही बातें कर रहे होंगे, तो बाबा के साथ बात कौन कर रही होगी? आत्मा कर रही होगी। तो फिर अपने आप को महसूस करना है, मैं आत्मा फरिश्ता बाबा की श्रीमत पर अब इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। जैसे बाबा आता है पर काया में प्रवेश करता है, ऐसे ही मैंने बाबा के शरीर में अब क्या कर रही हूँ? प्रवेश कर रही हूँ। सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस शरीर में भी मैं क्यों आई हूँ? सबको बाबा का संदेश देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं इस शरीर में आई हूँ, ठीक है? कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ,
जब काम पूरा होगा, हमारे पास दो ही काम है, हमने सबको बाबा का संदेश देना है और श्रेष्ठ कर्म करने। श्रेष्ठ कर्म कौन से? बाबा की श्रीमत पर ही हमने सारे कर्म करने हैं। और जब काम पूरा हुआ तो अपनी शांति की स्थिति में, शांति की स्थिति को परम स्थिति भी कहेंगे, शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, बस खत्म, कोई संकल्प नहीं। ऊंच से ऊंची स्थिति में चले जाओ। ऊंची तो ऊंची स्थिति कौन सी है? परम स्थिति, परम अवस्था। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, आप उसको फरिश्ता देखो और वो आपको फरिश्ता देखे। आपकी वृत्ति दूसरे को धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, मतलब आपकी वृत्ति फरिश्ता देखने वाली है, उसकी वृत्ति बेशक खराब है परंतु आपकी फरिश्ता देखने वाली वृत्ति उसको भी क्या बना देगी? फरिश्ता। क्योंकि आपका किसके साथ रिश्ता है? शिव बाबा के साथ रिश्ता है। जब आप शिव बाबा के साथ रिश्ता लगा के बाप के साथ चल रहे हो, बाप की अंगुली पकड़ कर चल रहे हो, फिर माया की हिम्मत नहीं जो आप पर अपना असर डाल सके। तो जब माया हमारे पास, भाई जी, ब्राह्मण छोड़ के भारत की दुनिया की जो आत्मा है सुनो, तो हम उनको भी आत्मा में देखते हैं तो उनको भी कुछ असर होता है क्या? हाँ, यही तो बता रहे हैं ना बाबा, परंतु कब? जब आप उनके प्रति प्रभावित ना हो, आप उनकी तरफ आकर्षित हो गए, उनके बोल पर, उनके चेहरे पर, उनके कर्म पर, आपने उनको उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना। आप उनकी तरफ आकर्षित हो गए तो फिर आप आकर्षण मूरत नहीं बन सकते, आप उसको आकर्षित नहीं कर सकते। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाई है, यदि आप किसी की तरफ आकर्षित हो तो आप उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, वो हमें प्रभावित करके चले जाते हैं। हाँ, जिसने प्रभावित किया, अब हम उसे प्रभावित कैसे करेंगे? हम खुद ही हो गए, हम हमारे स्थिति से नीचे उतरने का, हम शिकार हो गए, वो हमारा शिकार कैसे करेगा? हम शिकार हो गए, हम उसका शिकार नहीं कर सकते ना। तो आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। आप फरिश्ता आप बनके चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो आपका बोल, आपका कर्म, आपका व्यवहार उन पर प्रभाव डालेगा। ये पक्का है कि हम फरिश्ते, फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला है, बाबा ने ये वरदान सभी को दिया है, एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। बन सकते हो? क्वेश्चन पूछा है, बन सकते हो? एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में। सोचा और बन गया, सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में बन सकते हैं, वो एक हाथ की ताली बजा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर, बन सकते हैं? ऐसे नहीं हाथ उठाना, सारे हाथ उठा ले भी, झूठा नहीं, ऐसे हाथ नहीं उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं, जो विदेशी आए हुए हैं वो नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, एक सेकंड नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं
थोड़ा टाइम लगता है वो हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया है, सच्चाई है या नहीं? अच्छा बाबा, अच्छा है, बहुतों ने हाथ उठाया है तो बाबा कहते अच्छा है, लेकिन लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर एक सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? लास्ट पेपर तो एक ही सेकंड का है, उसमें तो दूसरा सेकंड मिलना नहीं है किसी को, किसी को नहीं मिलना, नियम है, नियम है। अब बताओ अब क्या करें? काम का अभ्यास काम आएगा। अब क्या करेंगे? बहुत काम का अभ्यास आएगा, वो भी अचानक आना है। एक सेकंड पहले बाबा नहीं इशारा करेगा कि टाइम आ गया, वो सेकंड भी अचानक आएगा। अभ्यास होगा तभी तो उसके पास, ठीक है, और सेकंड का आना है। हाथ उठाया कोई हर्जा नहीं, आपने हाथ उठाया बाबा कहते कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चों को नाराज नहीं करते, दुखी नहीं करते, महसूस किया ये भी बहुत अच्छा है, परंतु ये अभ्यास करना ही है, परंतु ये अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं बोलो, करना ही है, ये नहीं बोलो करना पड़ेगा, करना ही है, करना ही है। ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है, तीन बार बोला है, यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं, बाप दादा कुछ टाइम देते हैं, कितना टाइम चाहिए बताओ? दो हजार तक चाहिए, ये मुरली चल रही थी 15 फरवरी 2000 को, ये पूरा 2000 चाहिए बोलो, उसके बाद विनाश करेंगे, तैयार हो? 2000 तो बीत गया, अब बाबा तो कुछ नहीं कह सकता, पूछ रहे हैं, ये तो 2000 की मुरली है ना, पर एक बात है भाई जी, सबका समय तो अलग अलग है ना, शरीर छोड़ने का, क्यों क्या कहा है भाई? समय एक है, एक सेकंड और एक ही सेकंड और लास्ट सेकंड सबका एक है, छोड़ने का तो अलग अलग हो सकता है ना, चाहे पहले शरीर 10 बार छोड़ दो उससे क्या फर्क पड़ता है, पेपर तो एक सेकंड का है ना लास्ट में, ये तो शरीर का है ना, शरीर कितने भी छोड़ लो, लास्ट पेपर तो चाहे वो एक दिन का बच्चा होगा, एक मिनट का बच्चा होगा, समझो शरीर छूट गया भाई जी, शरीर छूट गया फिर दूसरे शरीर में आने से स्मृति आएगी क्या? क्यों नहीं रहना चाहिए, समझो ये शरीर में स्मृति है और ये शरीर छूट गया और दूसरे शरीर आ गया तो उसमें स्मृति रहेगी क्या? ये आपका पार्ट है, मैं उसमें हमारा क्या मतलब है, ये हर आत्मा का अपना पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर हम तो हमको डिसीजन थोड़ा दे सकते हैं, चाहे आप 10 बार शरीर छोड़ो और अंतिम पेपर तो हम सब आत्माओं का है ना, शरीरों का थोड़ा है, शरीर वाले जीवन काल का हमारे साथ फिर इमर्ज हो जाएगा ना ऑटोमेटिक, क्या है जितना पुरुषार्थ किया ना, पुरुषार्थ जितना इस शरीर में रहते हुए किया फिर शरीर छोड़ दोगे तो साथ वो संस्कार आपके जाएंगे, संस्कार आपने बना लिए जाएंगे, उतना जितना किया प्योरिटी हासिल की वो सारी प्योरिटी आपके साथ आत्मा के साथ जाएगी, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना,
हरे का, उससे हमारा कोई रोल नहीं। हमें रोल तो आत्मा के साथ देखना है। हमने इस छूटे शरीर वाले जीवन को नहीं देखना, हमने तो आत्मा वाले जीवन को देखना है। आत्मा चाहे कहीं भी पार्ट आत्मा, या आत्मा के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। हाँ, आत्मा के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। शरीर कितना भी अंत समय में सबको साथ जाना ही है, शरीर कितना भी छोड़े जाए लेकिन अंत समय में सारी आत्माओं को एक साथ जाना है। एक साथ एक ही सेकंड में जाना है, दूसरा सेकंड नहीं मिलना है। तो 2000 तक टाइम काफी है वैसे। तो नहीं तो बहुत कड़ा है। ये बहुत कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा भाई। बहुत कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा कि संस्कार बन जाना चाहिए। हाँ, जो समुद्र में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, चैलेंज किया है। गोल्डन एज दुनिया आएगी। 21वीं सदी के अभी 24 साल बीत गए, समझ रहे हैं बात को? ये 24 साल पहले की बातें सुन रहे हैं हम। वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना, तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देहबान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते हो, चाहते भी नहीं हो, लेकिन देहबान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि देहबान में आ गए फटाफट। शरीर समझने में देरी नहीं लगती, आत्मा समझने में मेहनत करनी पड़ती है, शरीर समझने में कोई देरी नहीं लगती। ऐसे ही ये अभ्यास करो। अभी ये 2000 की वाणी चल रही है, नावेश वाणी। हाँ जी। तो कल आप क्या करो, आज से तो जो सीरियल से आती है ना, तो 8 साल के बाद ये टाइम में कौन सी वाणी आएंगी वो पढ़ लो ना कल एक बार। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन ये भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल दिया बाबा ने। भाई जी इसका सेंटेंस फिर से पढ़िए ना। मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। जैसे हमारी आदत बन गई है कि हम शरीर समझने में देर नहीं लगाते, बाबा रूम में बैठकर, बाबा की याद में बैठकर, आत्मा स्मृति में, आत्मिक स्थिति में लाने में मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ देर, कुछ सेकंड्स आत्मा का अनुभव करते हैं, परंतु शरीर समझने में देर नहीं लगती। तो ऐसे ही हमारी अब आदत बन जाए कि हम 1 सेकंड में आत्मा रूप में व्यवहार करने वाले बन जाए, सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बन जाए, पावरफुल स्थिति में हमारी आदत बन जाए कि हम अभी अभी आत्मा, हमारे पर कोई असर नहीं हो सकता। जैसे देह में आ जाते हैं अभी अभी, अपने आप को तुरंत देह समझ लेते हैं, ऐसे ही हमारी नेचुरल आदत बन जाए सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूं, बस मैं आत्मा हूं। स्मृति आते ही सारी दुनिया ही बदल जाए। नेचुरल होते हाँ आज नेचुरल। जैसे हम देव समझने में देर नहीं लगाते, ऐसे आत्मा समझने में भी देर नहीं लगे। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्ते पन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे आपसे बता दो, कब पूछे कि तैयार हो गए हैं, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, जयंती दीदी से पूछ रहे हैं, बोलो जयंती कितना समय चाहिए?
फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए। जनक दादी का नंबर आ गया। दादी जी ने कहा कि आज होगी कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। आज करे सो अब। आप बताओ फरिश्ते बन गए हो या नहीं? हो जाएंगे नहीं? शाम तक हो जाएंगे, सवेरे तक हो जाएंगे? नहीं, अगले सेकंड तक नहीं, अभी बस हो गए। अगर जाएंगे तो कब तक जाओगे भाई? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? सारी मुरली का निचोड़ है वहां पर। तुर्त दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे नंबर वार, क्योंकि सभी नंबर वन हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन वर्ग के विंग के जो भाई बहन है उनसे बात कर रहे हैं, आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाएगा, जाए फैलता जाए, ऐसा सोचा? जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित है उनको पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम ये तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए, तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए ये वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश है, परंतु ये रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहां तक मैसेज दिया है, थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है, ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए नंबर वन वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से ये निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को ये रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहां तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट हो, रेगुलर स्टूडेंट नहीं, हम भी सहयोगी बने ये रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों को करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और ये अनुभव करें कि हम लोगों की को सहयोगी बनना है, हमें हम लोगों को सहयोगी बनना है। ये हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उनका संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं,
कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो, फिर सबको मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया, बना हुआ जरूर है। फॉरेन वालों का भी संदेश भेजा था, फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं, अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्होंको मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्ग की सेवा हुई उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना, सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वो हाथ उठाओ, बहुत हैं, तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितनी परसेंट में समीप सहयोगी हैं, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है, खाली रहना चाहते हैं मधुबन वाले, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं, बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है, नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है, दादी एक कंप्लेन करती है, कंप्लेन बताएं, कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है, बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पद्म गुणा मुबारक देते हैं, 100 गुणा भी नहीं पद्म गुणा, किस बात पर, जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिपा छिप जाता है, अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना, तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो ये विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग फॉरेन वाले, फॉरेन में भी मीडिया को शुरू हुआ ना, बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोजाना रोज चलता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है,
अभी कुछ कमाल करके दिखाओ, अखबार की कर सकते हैं, गुप कर सकता है, हाथ उठाओ, हाँ करेंगे, उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता, आखिर तो समय आएगा जो सब साधन अपनी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो, अभी आप लोगों का को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ, अभी तुम कहते हो सहयोगी बनो, सिर्फ ये बात पक्की रखना, परिश्ता परिश्ता परिश्ता, फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है, पीछे पीछे पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वो आप पे ही आपके पीछे आएंगे, बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है, क्योंकि आपकी अपनी अवस्था रुकी हुई है तो वो भी रुके, एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है, बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वरदान साधनों को निर्लेप व न्यारा बन कार्य में लगाना है, क्या करना है, कार्य में लगाना है, कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भाव, बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे, ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है, बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे, जो बाप का प्यारा है वे सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा, इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति, कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं, राज ऋषि हैं, स्लोगन है दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा, दिल में क्या हो, सच्चाई हो और सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा, अच्छा ओम शांति, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं, ओम शांति। जिसमें किसी साथ कोई और
ये जो है ना एक मृदुल बहन का, आप जब बोलो ना तब माइक खोलो, आपकी आवाज डिस्टर्ब करती है। मृदुल बहन सुनाओ। सच्चे दिल पर साहेब राजी, साहेब राजी, दिल सच्चा होगा तो भारी भी नहीं होंगे हम, हमारे ऊपर कोई लेप छेप भी नहीं लगेगा। और बाबा ने कहा कि कर्म में देखना है तो ब्रह्मा बाप समान, और अवस्था देखनी है, स्थिति देखनी है तो शिव बाबा की देखो। शिव बाबा जिस स्थिति में परम अवस्था में रहते हैं तो उस स्थिति में रह के कर्म करो। ब्रह्मा बाबा की तरह हमें बोले कि तुरंत दान की, तुरंत दान बनना है, जैसे बाबा ने कहा वैसे ही बाबा, ब्रह्मा बाबा ने सारा कुछ अपना शिव बाबा को सौंप दिया, तन मन धन और जन चारों, उसी तरह हमें भी करना है। हमारी स्थिति फरिश्ता स्वरूप स्थिति भी होगी, निर्लेप भी होंगे।